वहीं फर्जी दस्तावेज से 1.5 करोड़ का मकान हड़पने वाली दो महिलाओं सहित पत्रकार प्रहलाद दुबे के खिलाफ थाना सुपेला में मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद सुपेला पुलिस द्वारा कार्रवाई। गौरतलब है कि भोपाल निवासी अजय सेन ने दुर्ग न्यायालय में अर्जी लगाई थी। अजय का आरोप था कि माधुरी मंडावी, विजय लक्ष्मी शर्मा और पत्रकार प्रहलाद दुबे ने आपराधिक षड्यंत्र रच नेहरू नगर स्थित उनके पिता की जमीन और मकान पर कब्जा जमा रखा है, जिसकी शिकायत पूर्व में सुपेला थाना में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय ने वर्णित तथ्यों अभिवचनों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच किए जाने सुपेला पुलिस को आदेश दिया है। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। इसमें प्रार्थी अजय सिंह के द्वारा माननीय न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 103 प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद पर से प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश प्राप्त होने पर दिनांक 3/8/2022 को हमारे द्वारा धारा 420, 467, 467, 471, 120 भी और 34 भादवी के तहत माधुरी मंडावी, विजय लक्ष्मी शर्मा और प्रहलाद दुबे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जो प्रारंभिक विवेचना पर है। गौरतलब है कि अजय सेन भोपाल में नौकरी करते हैं। उनके पिता रमेश प्रसाद का नेहरू नगर स्थित मकान किराए पर लेने प्रहलाद दुबे ने सन 2019 में संपर्क किया था। प्रहलाद ने किराएदारी अभिलेख माधुरी मंडावी के नाम से बनाने कहा था। अक्टूबर 2019 में 11 माह का किरायानामा तैयार कर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बहरहाल पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।